Actually, I was born in a musical family. So my both aunts were vocalists. I grew up with that as atmosphere. And I started learning vocal first at the age of 3. And वहाँ से शुरू हुआ accompaniment उन लोगों के साथ. और उसके बाद घर में मेरा एक पेरिस रीड का हारमोनियम था मेरी नानी जी का. तो मैं थोड़ा सा वो बजाने की कोशिश की बचपन में. और एक दिन मैं गलत बजा रही थी तो मेरी मौसी आके बोली कि सरेगमा पता नहीं इस तरह होता है. देन आई स्टार्टेड प्लेइंग की इस तरह. और मैं फिर इट वाज लाइक अ टॉय विथ विच आई प्लेड अ लॉट. एंड उसके ऐसे बजाते बजाते फिर मेरा हारमोनियम की संगत आ गई, थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई. तो एक दिन मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अब इसको अच्छे गुरु के पास डालना है. तो मुझे पद्मभूषण पंडित वीजी जोगी के पास ले गए और वहाँ से लगातार 22 साल में हारमोनियम की शिक्षा ली. गुरुजी के पास मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग उनके पास हारमोनियम लेके खाली मैं एक ही आती थी. हाँ, कोई और कोई नहीं है, सब वायलिन लेके आते थे. मैं गुरुजी को पूछी कि मुझे वायलिन का शौक़ है, सब यहाँ वायलिन लेके आते हैं, प्लीज़ आप मुझे वायलिन सिखाए. बोले बेटा इस उम्र में कर पाओगे? देन आई वॉज़ इन कॉलेज दैट टाइम. मैं बोली मैं कोशिश करती हूँ. तो फिर 7-8 बरस वायलिन का भी शिक्षा मैं ली. एंड आई डिड ग्रेजुएशन विद वोकल फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स विद वायलिन फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी. बहुत सारे कम आर्टिस्ट हैं जो फेमस हैं और इस प्रोफेशन में हैं, खासकर हारमोनियम के प्रोफेशन में हैं. तो मैं समझती हूँ कि इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर मी. एंड बहुत सारे हारमोनियमिस्ट को मैं देखती हूँ जो मेल हारमोनियमिस्ट है, सब क्योंकि हम लोगों को सब घराने के साथ एकम्पनी करना पड़ता है, तो उसके लिए एक होमवर्क भी चाहिए. सब घराने की स्टाइल समझना चाहिए, सुनना चाहिए. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई एंटर्ड टू दिस स्टूडियो, इतना अच्छा वार्म वेलकम मिला. और द यूनिकनेस, द स्टाफ्स आर गुड, बहुत सारे मतलब इनमें परफेक्शन की तरफ एक परफेक्शन की ओर बढ़ने का एक इच्छा है, अच्छे काम करने का इच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये जो क्लासिकल की जो सीरीज़ हो रहे हैं ये हमारी यंगर जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है. ताकि वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि पॉप रेगे रैप ये ख़राब है, सबको सब कुछ सुनना चाहिए, लेकिन हमारी जो ओरिजिनलिटी, हमारी जो ट्रेडिशन है उसको हमें बरकरार रखना है. ¶¶